हेलो गाइस, वेलकम टू जिमेंट न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले काफी कमाल का अपडेट है एवेंजर एंड गेम की स्क्रीनिंग का। तो जैसा कि आप सब जानते हो, बॉलीवुड में जो मूवी लगती है सलमान खान की, शाहरुख खान की या आमिर खान की, तो उनकी स्क्रीनिंग की जो होती है वर्ल्ड वाइड, वो होती है 3,200 या 4,000 तक लगभग होती है। सलमान खान की अभी हाल ही में जो मूवी रिलीज होगी भारत, उस मूवी को भी करीब 3,000 स्क्रीनिंग मिलेगा। पर एवेंजर एंड गेम एक ऐसी पहली मूवी इंडिया में है जिसे 2,000 स्क्रीन पर रिलीज करा जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है एवेंजर एंड गेम और मार्वल फैंस के लिए। उसी के साथ सबसे बड़ा अपडेट है एक और इस मूवी से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईनॉक्स जो थिएटर हैं, उन्होंने टोटल 14 घंटे में 6 करोड़ की अर्निंग करी है, यानी कि 6 करोड़ की टिकट आईनॉक्स थिएटर में बिक भी गई है, जो कि मार्वल फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और शायद ये अपडेट जान के आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होने वाली है। उसी के साथ इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिला है इंडियन सेंसर बोर्ड की तरफ से, और कोई भी कट सीन नहीं हुआ है, और 3 घंटे 2 मिनट की फुल मूवी आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। तो इस बात से मुझे ये मूवी और ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक में शेयर करो। जो बंदे वीडियो नहीं देख रहे हो, या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।